Next is tensile strength. Tensile strength means क्या है? मान लीजिए ये कोई आपके एक मैंने ये बार का पीस लिया, ठीक है, और इस पे मैंने लोड अप्लाई किया, ये पी और ये पी। तो अगर आप इसका बिहेवियर देखें, लोड की डायरेक्शन देखें, तो ये लोड जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये क्या करने की कोशिश करेगा, जो इसकी पर्टिकुलर लेंथ होगी एल, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस पी लोड के वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही होंगी, इंटरनल स्ट्रेसेस, वो कौन सी स्ट्रेसेस जनरेट होंगी? इंटरनल स्ट्रेसेस, दैट मीन्स अगर हम बात करें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, मान लीजिए एक सेक्शन है एक्स एक्स, और इस सेक्शन को अगर मैं कट करके दिखलाऊं, दिस इज योर बार, और जिस पर आपका क्या लगा हुआ है, पी लोड लगा हुआ है, तो उसके अपोज में ही एक इंटरनल स्ट्रेस वर्क करी होगी, दैट इज ऑल्सो पी, दैट इज पी इंटरनल, ठीक है। तो यहां पर जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी इंटरनली, दैट इज इक्वल टू पी इंटरनल अपॉन में एरिया। लेकिन ये जो स्ट्रेसेस हैं कौन सी हैं? टेंसाइल स्ट्रेसेस जो इंड्यूस हो रही हैं। और एक ऐसी स्ट्रेस, क्योंकि मटेरियल है, इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये ले सकता है, और ये जो पी इंटरनल है, जब उस मैक्सिमम जो ये आपकी सिग्मा इंट्रोड्यूस हुई है, जो इंड्यूस हुई है, वो उस स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाएगी जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, उस टाइम में क्या हो जाएगा, आपका जो सेक्शन है वो फेल हो जाएगा। और उस लोड पर जिसपे सेक्शन फेल हो गया, उस लोड को हम क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब हमने टेंसाइल लोड दिया हो, तो जिस लोड पे वो स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, दैट इज आल्सो कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसे ही हम टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंपली कह देंगे, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए अगर हम टेस्टिंग करते हैं, तो आपने देखा ही होगा, जो क्यूब हम अगर एक बार लेते हैं, बार की हम टेस्टिंग करते हैं, तो बार की टेस्टिंग करके कैसा लोड अप्लाई करते हैं? पी टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, और हम उस सेक्शन पे देख लेते हैं जो हमारा सेक्शन क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, उस पर हम लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारा आएगा, और वही लोड क्या होगा, हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है।